ओके, तो अब सारी प्रिपरेशन हो गई है, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने अपना ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। सबसे पहले मैंने वादी का फेस मिस्ट अप्लाई किया अपने फेस पे, और आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने पीछे भी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं तो उनमें इसे मैंने अप्लाई ज़रूर किया है। उसके बाद में अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं इस टाइम बायोटेक का डे क्रीम और रात में नाइट क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरे स्किन को बहुत सूट कर रहा है, तो मैंने उसे भी अच्छे से अपने फेस पे लगा लिया है। अब मैं अंडर आई एरिया और जहाँ पे भी आपको लगता है ना आपके डार्कनेस है, वहाँ पे आप कंसील कर लो। तो मेरे पास ये फ्लैट कंसीलर था, तो मैंने इससे डैब डैब करके जहाँ जहाँ मुझे स्पॉट्स या वगैरह कुछ भी नज़र आता है तो मैं इससे पहले उसे कवर कर लेती हूँ। उसके बाद ये इस टाइम की मेरी फेवरेट स्टिक हो गई है शुगर की। ये थोड़ी कॉस्टली ज़रूर है, बट अगर आप एक बार इसे ले लेते हो ना तो यू आर सॉर्टेड, मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। मैंने जब ली थी ये 1100 समथिंग की थी, अभी ये थोड़े कम की हो गई है, 900 कुछ की हो गई है। तो आप लोग प्लीज़ इसे परचेज़ करो, बट हाँ अपने शेड का ध्यान देने के बाद ही लेना, क्योंकि अगर शेड गलत आ गया ना तो फिर कोई मतलब भी नहीं बनता। ओके, उसके बाद में मैंने एक शेड ना लाइटर ही लिया करो अपने शेड से, और ज़्यादा लाइट भी मत लो क्योंकि फिर वो अलग सा लगने लगेगा। तो उसके बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब 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 करके अपने फेस पे इसे पूरे अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब हम लोग इसे सेट करना है, तो मैं कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको अपने पूरे फेस पे डैब 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 करके अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होगा ना कि मेरा जो कंसीलर मैंने अप्लाई किया, कॉम्पैक्ट स्टिक जो मैंने अप्लाई किया सॉरी, वो अच्छे से सेट हो जाएगी। और आप लोग ना मेकअप करते टाइम ये मत सोचा करो कि आपका फेस बहुत वाइट वाइट लग रहा है, क्योंकि आधे से 1 घंटे के अंदर ही अंदर ना और कम ही टाइम में हमारे जो फेशियल ऑयल्स होते हैं ना वो पूरे मेकअप को आपस में मिक्स करके बहुत अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो उसके लिए आप एकदम टेंशन फ्री रहा करो। अब मैं कॉन्टोरिंग कर रही हूँ अपने फेस की, तो मैंने पाउडर कॉन्टोर यूज़ किया है। मैंने आई शेडो पैलेट से एक डार्क शेड लिया है, डार्क ब्राउन शेड, और उसी से मैंने कॉन्टोरिंग की है, और एक ब्लेंडर की हेल्प से उसको इवन कर लिया है। मैंने नाक के पास और अपने फोरहेड पे भी उसे करा है, एक तो चीज़ें बड़ी गायब हो जाती हैं। अब मैंने ली अपनी ऑल टाइम फेवरेट हिलारी हुडा की आई शेडो पैलेट, उससे मैंने मरून शेड पिक किया है। पता नहीं ये पिक्चर में वीडियो में क्यों मरून नहीं लग रहा, पिंक लग रहा है, बट हाँ ये मरून था। और मैंने अच्छे से इसे अपनी आँखों में अप्लाई कर लिया है, क्योंकि मुझे ये बेस चाहिए था। मरून कलर का मेरा लहंगा है तो मुझे बेस भी मरून ही चाहिए था। अब मैंने मिडल में कॉपर शेड, आप चाहो तो गोल्डन भी अप्लाई कर सकते हो, मेरा गोल्डन टूट गया था तो मैंने कॉपर अप्लाई किया, बट अगर आपके पास में गोल्डन है ना तो फिर आप उसे गोल्डन ही लेना। तो वो मैंने अप्लाई कर लिया। उसके बाद में जो हमारी ब्रो बोन्स होती है ना उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप आई मेकअप कर रहे हो, तो मैंने हाइलाइटर की हेल्प से उसको भी हाईलाइट कर लिया है। अब मैंने जो भी डस्ट थी ना उसे ब्रश की हेल्प से हटा दी है। अब मैं आगे की चीज़ें करूँगी। ये देखिए, आप ऊपर का जो एरिया होता है ना जहाँ पे एंड होती है आईब्रोज हमारी, या स्टार्ट कह लो, वहाँ पे आप इसे हाईलाइट ज़रूर कीजिए, और कॉर्नर्स पे भी मैंने लगाए, इससे आंखें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। ओके, तो अब मैं प्लम का काजल इसमें यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँ तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो काजल में। एक्चुअली मुझे काजल बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे ऊपर मुझे ऐसा लगता है सूट करता है, इस वजह से ही मैंने हर ब्रांड के काजल यूज़ किए, और ये प्लम तो मुझे बहुत महंगा पड़ा, लगभग 500 रुपये का मैंने काजल मंगाया था, और बट मुझे इसमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी, मतलब बिल्कुल वेस्ट है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो ना इसे परचेज़ करने के लिए, तो मैं प्लीज़ इसे सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग इसको लो, ठीक है? कोई भी ले लो, सबसे बेस्ट तो मुझे एलेटीन का लगता है। ओके, और वो ना वैल्यू ऑफ मनी भी है, वैल्यू फॉर मनी भी है। ओके, तो फिर अब हम लोग अपनी आईलाइंस करेंगे आईलाइनर से। तो ये मेरा जेल आईलाइनर था, मैंने इससे किया। अगर आपके पास कोई दूसरा आईलाइनर है तो आप उससे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मेरे ना लिप्स बड़े, इस टाइम मौसम कैसा सा हो रहा है तो मेकअप वेकअप सब लग जाता है, लिप्स बड़े ड्राई से हो जाते हैं, तो मैंने इस पे लिप बाम अप्लाई किया है, वो लैक्मे का है। ओके, तो एक तो मेरी चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसके बाद मैं ना आई क्या कहते हैं इनको, देखो मैं नाम भी भूल गई,
एप्पल की अपनी, हाँ उनको मैंने लगा लिया है। उसके बाद में फिर मैं आईब्रोज को फिल कर रही हूँ, ये भी शुगर की है और ये बहुत बढ़िया है, मतलब इस ये मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं डार्क ब्राउन शेड ही अप्लाई करती हूँ कोई भी ब्रांड का हो, तो मैंने इसको भी ट्राई किया, इसका भी डार्क ब्राउन शेड ही अप्लाई किया था। आप लोग ना अपने बालों से मिलता हुआ ही कलर अप्लाई किया करो अपनी आईब्रोज पे, क्योंकि फिर वो ब्लैक बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है। तो आप लोग बस सबसे बड़ा बढ़िया है कि आप ध्यान दो कि आपके बालों का कलर क्या है, आपके सर के बालों का कलर क्या है, उसी तरह की आप लोग आईब्रो पेंसिल यूज़ किया करो। अब हम लोग इसमें ब्लश लगाएंगे अपने गालों पे, गुलाबी गुलाबी कर देंगे अपने गालों को। तो मैंने ये ब्लश लगाया, और हाँ ब्लश लगाते टाइम ना स्माइल कर लिया करो थोड़ी सी, इससे क्या होता है ना कि अच्छे से पता चल जाता है ब्लश वाला एरिया कौन सा है, तो मैंने वैसे ही किया था। ओके, और उसके बाद मैं लगाती हूँ अपना हाईलाइटर। हाईलाइटर भी आप किसी भी ब्रांड का लगा लो, बट हाँ बहुत ज़्यादा उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, जितना ज़्यादा माइक्रो हो ना उतना ही बेटर रहता है, उतना ही नेचुरल लगता है। तो मैंने हर जगह जहाँ जहाँ मुझे नीड थी, जैसे अपने गालों पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, फोरहेड पे, चिन एरिया पे, गले पे, ये सब जगह मैंने अप्लाई कर लिया है, और इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। मतलब अगर आपने हाईलाइटर नहीं लगाया अपने मेकअप में, तो फिर आपने क्या किया, बहुत अच्छा ग्लो आता है। ओके, तो उसके बाद मैं अब लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक का मतलब ही होता है कि अब मेरा मेकअप बिल्कुल डन है, अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि सिंगल कलर मत लगाया करो, क्योंकि बहुत ही कम होता है कि आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको कलर मिल जाए लिपस्टिक का। ओके, तो मैं दो कलर, मैंने मरून कलर लगाया, उसके बाद में मैं ये हॉट रेड लगा रही हूँ मैट मी का, दोनों चीज़ों को कलर को मिला के। और उसी टाइम मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, मतलब मेरा कोई प्री प्लान नहीं था, तो मैंने इसको अप्लाई कर लिया और एकदम परफेक्ट शेड मुझे मिल गया है। और लहंगे की ही मैचिंग की मैंने एक बिंदी लगा ली है, बाद में मुझे लग रहा था मैंने क्या थोड़ी बड़ी बिंदी लगा ली है, क्योंकि मोस्टली मैं थोड़ी सी छोटी लगाती हूँ। ठीक है, तो ये था मेरा फाइनल लुक। मैंने अपना लहंगा, अपनी ज्वेलरी सब कुछ पहन लिया, बस ये ना चुन्नी नहीं ड्रेप होती मेरे से। एक तो लहंगे की चुन्नी ना इतनी भारी होती है कि बस दिमाग ख़राब होता है, बट फिर भी जैसे तैसे मैंने खूब सारी एल्बम्स की हेल्प से इससे लगा लिया है। और ये था मेरा फाइनल लुक, एक सिंपल शोवर सा लुक है। अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा। तेरे ले ही पाया चूड़ा, तेरे ले ही बिंदियां, तेनू देख देख चन्ना हर रोज जीनियां। तेरे ले ही पाया चूड़ा, तेरे ले ही बिंदी, मैं करवा चौथ दा वरत सोने।